Hey guys, what's up? What's happening? I hope you're doing absolutely well. Welcome to Harry Rolling. So guys, I hope मेरा last vlog तुम्हें पसंद आया हो, राखी vlog. And guys, अभी मैं जा रहा हूँ office. So यार आज का agenda ये है कि we are planning to buy a new car, as I might have told you in earlier vlog, maybe. So guys, we are looking for options like Kia Seltos. Facelift obviously and Scorpio N, the big daddy. MG Hector is also a good option. Jeep Meridian is also an option. So we are looking to buy such options. So humne socha ki, somebody asked us ki why are you guys not looking for a pre-owned car, pre-owned luxury car, like BMW, Mercedes, Audi और Jag. So guys, वैसे मुझे लगा कि it's a better option because the depreciation is less and the price will be very less. So if I might get a steel deal, तो why not? So guys, ये जो car देख रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ अपने भाई के लिए. So मेरे भाई को लेनी है. So हम देख रहे हैं, तो फिर मैंने उससे बोला यार कि C class is also a good option. लेकिन जहाँ मुझे स्टील डील मिले, जहाँ हमें स्टील डील मिलेगी, हम वो डेफिनेटली लेंगे. सो आज मैंने एक बहुत अच्छा 2019 मॉडल मंगाया ऑफिस में, मैं आपको दिखाऊंगा. एंड 2019 मॉडल, वो कार कौन सी है? वो है BMW. यस, BMW. एंड अब देखते हैं यार 2019 मॉडल, लेकिन डील तो काफ़ी अच्छी है. एंड वो कार किसी कोई नॉर्मल डीलर से नहीं है, वो सीधा फ्रॉम BMW ही है. तो हम देखते हैं, अगर कोई अच्छी डील मिलती है, कार की कंडीशन अच्छी हुई, तो डेफिनेटली विल कंसीडर दैट ऑप्शन, या फिर हम कुछ अच्छे ऑप्शन पर ही जाएंगे. मेरे भाई को हेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि हेक्टर का भी फेसलिफ्ट आया है एंड हेक्टर भी अंदर से काफ़ी लग्जूरियस है, काफ़ी लग्जरी फील देती है. एंड सेल्टोस की भी उसने ड्राइव ली, सो उसको हेक्टर समझ आया यार, जहाँ तक अभी एज ऑफ नाउ. तो अब देखते हैं कि कुछ अच्छा ऑप्शन हमें मिलता रहे. सी क्लास का भी हमें ऑप्शन मिला था एक अच्छा, लेकिन उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है यार फरीदाबाद के हिसाब से. और सेडान्स हम प्रेफर नहीं करते ज़्यादा, इधर कॉम्पैक्ट SUV और SUV. सो गाइज, आज चलते हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, मैं आपको बताता रहूँगा. गाइज, मैं अभी आया था मार्केट एंड मैंने कर लिया थोड़ी माला शॉपिंग, बिकॉज पता नहीं यार, इंडिया में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई ना कोई फेस्टिवल, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कुछ. सो अब चलते हैं घर, ऑफिस. सो गाइज, जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया, तो कार आ चुकी है. आई विल शो यू, दिस इज द कार. हाय भैया, दीपक हर्षद. सो यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस लग रहे हैं एंड द नंबर इज नाइस. ये रीपेंट है, पेंट दोबारा किया है. अंदर से देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, अब क्या सिस्टम है इसका. यार इट इज़ 2020 मॉडल एंड द फील इज़ नाइस, द फील इज़ नाइस एंड द फिट एंड फिनिश वो भी अच्छा है. तो गाइज, इस गाड़ी को करते हैं थोड़ा लॉन्च और टेस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी, इसलिए मैं इसको ले गया थोड़ी सी अच्छी रोड पर, ताकि मैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकूं कि कैसी है ये कार चलने में. और इसीलिए मैंने भैया से पूछे थोड़े सवाल जवाब कि क्या है इस गाड़ी में नया. और एक और फेस लिफ्ट आ चुका है, तो मैं पूछना चाहता था कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं एंड क्या कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं, क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं. ऑल दो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं ये कार, बिकॉज इट वॉज़ नॉट दैट स्पेशियस विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग. सो मुझे इतना कुछ खास लगी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए हमने डाला इसको स्पोर्ट्स मोड पर एंड टेस्ट करा थोड़ा तेज़ चलाने का, सो दैट हम देख सकें कि कैसी है इसकी कैपेबिलिटी. एंड अच्छा लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट एंड द इंजन. ऑब्वियसली इट्स पंची इन स्पोर्ट्स मोड,
But I realized to own a BMW, you have to be very careful, and it always feels good to drive a BMW. But to own a BMW, you need to be very careful when you are getting a pre-owned one. So, because of the space issue and obviously the power, I'm a bit confused about this car. But let's see, क्या होता है? And हम पहुँच गए. और ये देखिए यार, ये क्या है? ये तो Alto जैसे इसके lock. अरे damn. But चलो देखते हैं यार. तो यार इसका बूट स्पेस तो सही लग रहा है मुझे ऐसा. एंड टायर का सेम प्रोफाइल है? नहीं, सेम प्रोफाइल नहीं. ओके 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 ओके. रियर स्पेस कंफर्ट तो आई गेस देख लेते हैं. तो यार रियर स्पेस तो सही है. लाइक आई एम 5'11" सो या कंफर्ट तो सही है. बाकी डिस्कशन करके अब भैया को बताते हैं. तो भैया डिस्कशन करके मैं आपको बताता हूँ इसका. सो यार टेस्ट ड्राइव ले ली मैंने, लेकिन मुझे गाड़ी समझ नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि यार मज़ा ही नहीं आया कुछ कार चलाने में. जो BMW वाला आता है ना, एक किक आती है, वो चीज़ नहीं आई. और अभी हम दोबारा कुछ नए ऑप्शंस कंसीडर डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज ऑडी इज़ नॉट एन ऑप्शन, मर्सिडीज़ विल बी एन ऑप्शन. तो लेट्स सी, मर्सिडीज हम कंसीडर करेंगे, बाकी देखते हैं और आपको अपडेट करता रहूँगा, बने रहिएगा. वैसे व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शायद कुछ और भी देखें हम. सो आई विल अपडेट यू गाइस. अब हम जिम करेंगे और हमारे दूसरे ब्लॉगर भैया आ गए हैं. नमस्ते नमस्ते. इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो इनके सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब कर लेना. वे किस नाम से आपका? पबली दास ब्लॉग्स. आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, उनके जो सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए. करना चाहिए इनको सब्सक्राइब, क्योंकि इनके चैनल में जो एंटरटेनमेंट है वो मैंने एंटरटेनमेंट किसी के नहीं देखे. आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर उठा लोगे, इनसे बढ़िया एंटरटेनिंग बंदा पूरे मैंने आज तक कोई यूट्यूब में देखा नहीं है, क्योंकि मैं गिने चुने को फॉलो करता हूँ जो टॉप में है, और वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है. पेटीएम नंबर दे देना भैया, अभी करता हूँ मैं. पेटीएम नंबर मैं दे दूँगा. चलो चलो यार, अब जरा थोड़ा कार्डियो करें. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. तो गाइस भैया को दे दिया टीचर्स डे का गिफ्ट. भैया को तीओ ब्रामा से दे दिया है टीचर्स डे का गिफ्ट. ब्लॉक ब्लॉक कर रहा हूँ यार. कम ऑन भैया. अरे ब्लॉक तो बना लो यार. 25 में ना दिल ऐसे करने यार. अच्छा तो गाइस अभी जिम में चैलेंज मिला है कि सपाटे करने हैं, बिकॉज अंकुश फेमस हुआ है. तो भैया ने चैलेंज दिया है. कितने कहते हैं भैया? 20 27 नहीं, मैंने तो 50 बोले. 27 मैं आप तेरे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बंदा है इसको बहुत परेशान कर रहा है. आप इंस्टाग्राम के 1800 फॉलोअर्स है और प्लस 7 सब्सक्राइबर यूट्यूब से, कि इसको सबक सिखाएं. भैया 7 के 7 मिलियन होंगे. 7 मिलियन होंगे. ये I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Come on. भाई जैसा आप पंप देख सकते हैं,
थमने वाली है 27 सपाटे। भैया का चैलेंज कर दिया फेल, चैलेंज कर दिया अनकंप्लीश। मैं क्या कहना चाहूंगा, अनकंप्लीश नहीं, जितना मैं जानता हूं आशिक को, इस बंदे ने आज तक जितना भी चैलेंज लिया है स्कूल टाइम से लेकर अब तक, इसने सारे चैलेंज पूरे किए हैं, किसी चैलेंज में भी इसने हार नहीं मानी। गाइस गाइस अब भैया को चैलेंज मिला, भैया लगा दो बॉडी की मूवमेंट, दो अपर बॉडी की, पैर मत मूव करो, पैर फिक्स फिर हाथ ये फिक्स तो पीछे, अरे ऐसे जाओ, देखो आजकल सबको सपाटे लगाने, आप भी लगाओ भैया, शाबाश भैया, शुरू कर दूं, शुरू हो जाओ, ये अभी रुको, सब लगाएंगे, एक एक करके लगाते, भैया भी लगाएंगे, ओयो बेबी। एंड आज का दिन यार यहीं एंड होता है, व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग पता नहीं था कि नहीं, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर, लेकिन हैरी रोलिंग में आपका हमेशा स्वागत है, आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिए एंड सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए, बेल आइकॉन दबाइए, एंड आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, प्लीज़ 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 do subscribe.